यहाँ पे क्या होगा, जैसे स्क्वायर रूट निकालना है सबका, है ना, इतने बड़े बड़े नंबर हैं, कैसे निकलेगा? तो कैसे निकलेगा, जैसे मान लेते हैं टाइप वन है, जैसे इस टाइप का स्क्वायर रूट निकलना है, जैसे यहाँ पे देखो बेटा क्या हो रहा है, एक मतलब एक यहाँ पे क्या सीक्वेंस है, जैसे देखो 1 2 3 और फिर देखो यहाँ पे फिर घटना स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और फिर देखो यहाँ पे 5 तक है और फिर 5 के बाद क्या हो गया, घटना स्टार्ट हो गया। यहाँ ये दोनों में कैसे होगा, जब कोई मतलब सीक्वेंस में बढ़े उसके बाद फिर घटना स्टार्ट हो जाए, तो कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर रूट कैसे हो जाएगा? यहाँ पे देखो जैसे 1 2 3 है तो कितना तक बढ़ा है, 3 तक बढ़ा हुआ है, तो 3 तक बढ़ा है तो 3 बार 1 लिख देंगे, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 1 1। अच्छा ये बताओ बेटा यहाँ पे कितना तक बढ़ा हुआ है, 5 तक, 1 2 3 4 5 तक बढ़ा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। और लेकिन देख चेक कर लिया करो घट भी रहा है कि नहीं बन, ठीक है, तो ये हो गया इसका स्क्वायर रूट टाइप 1, समझ लेना, जब ऐसे बढ़े और घटना स्टार्ट कर दे तो इसका स्क्वायर रूट ऐसा हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट में देख लेना है, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में क्या है यहाँ पे 9 9 वाला। अच्छा 9 9 वाले में कैसे करना होता है, जैसे यहाँ पे हमें देखना है जो नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे 999 यहाँ पे 00 रिपीट हो रहा है, तो ये हम यहाँ पे इसको हटा ही देते हैं, क्या बचा 81 बचा, 81 का क्या स्क्वायर रूट होता है, 9 होता है, लेकिन इसका तो 9 होगा नहीं, लेकिन 9 अब इस 9 डिजिट को कितनी बार लिखना है, जैसे यहाँ पर कितना है 3 है कि नहीं, तो 3 है तो इससे एक बढ़ा के कितने 9 है, 3 9, तो एक बढ़ा के लिखना है, मतलब जितने डिजिट होंगे उससे एक डिजिट बढ़ा के, तो कितनी बार 9 लिखना है, 4 बार लिखना है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 4 बार 9 हो जाएगा। जैसे इसमें देखो यहाँ पे देखो 9 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, 0 हो रहा है। अच्छा यहाँ पे 81 बचा, फिर 9 हो जाएगा, लेकिन कितनी बार लिखेंगे, 1 2 3 4 है, कितनी बार लिखेंगे, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 तो एक बढ़ा के, तो 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे देखो ये 9 9 और 0 0, कितना बचा 81, और 81 का कितना हो जाएगा 9, तो कितनी बार लिखेंगे, 9 9 और 9। ये टाइप 1 समझ में आ गया, मतलब ये टाइप 1 था, टाइप 2 का ऐसे ही, इसके बाद क्या होता है, इसी के बाद 6 का भी होता है, ठीक है, यहाँ पे इसके बाद क्या कर लेना है 6 का, तो 6 का कैसे करेंगे देख लो यहाँ से एक बार, इसमें तो 6 के बारे में इसका आप लोग वैसे निकालना 9 वाले पैटर्न से, आप लोग एक बार ट्राई करो कैसे निकलेगा। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो बेटा यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 4 4 रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 5 रिपीट हो रहा है, क्या बचा 36 बचा, और ये 36 क्या होता है 6 होता है, लेकिन इस 6 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है, तो कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो 4 4 4 है, यहाँ पे क्या 5 5 5 है, तो ये भी खत्म करो, कितना बचा 36 6 है, तो कितनी बार लिखेंगे, 4 बार 6 लिखेंगे, 1 2 3 और 4। यहाँ पे देखो ये 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 5, क्या है 36, तो 6 है, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, लेकिन कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, एक बार है ना, 2 बार लिख देंगे, तो समझ में आ गया। ये 9 ये सिर्फ इस पर अप्लाई होता है, 6 के रिपीटेशन और 9 के रिपीटेशन पे होगा, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे, अच्छा जैसे मान लेते हैं ये नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर 4, जैसे बेटा किसी नंबर के लास्ट में 5 हो तो कैसे करें, तो यहाँ पे हमें लास्ट में 2 डिजिट को देखना है, लास्ट कितने डिजिट को देखना है, 2। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है, क्या होगा 5, और इसका भी। अच्छा बताओ अब देखना है 30 जो है किसके किसके स्क्वायर के बीच रूट के बीच में आती है, तो 30 किसके किसके बीच में आएगा, जैसे मान लेते हैं हम लोग 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, तो मतलब किसके किसके बीच में आएगा, 5 के स्क्वायर के बीच में आएगा और 6 के स्क्वायर के बीच में, और पता है जो छोटा वाला नंबर होता है, छोटा नंबर क्या यहाँ पे 5 है, तो यही 5 लिख देंगे, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 55, यहाँ पे 25 पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये देखना है 72 किसके किसके बीच में आता है, ये 8 स्क्वायर के बीच में आएगा या तो 9 स्क्वायर के बीच में आएगा, आएगा नहीं आएगा, और छोटा नंबर क्या है यहाँ पे 80, तो 8 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 85 हो जाएगा, आया समझ में। 5 वाले में हमें ये यहाँ पे डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे मान लेते हैं जिसके लास्ट में 5 नहीं है उसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो 5 है लास्ट में, तो इसके लास्ट में क्या करेंगे, इसका अप्रोच कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो बेटा हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा लास्ट के 2 ही डिजिट लेना होता है। अब ये बताना है किसका स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, जैसे एक हम यदि किसका स्क्वायर करें 6 का, एक तो होता है 6 का स्क्वायर करें, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, लास्ट में 6 आएगा, और एक एक क्या हो सकता है बताना जल्दी से, 9 का स्क्वायर कहाँ पे आएगा 36, एक और बताओ, जैसे 3 3 9 हो गया, 4 4 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा लास्ट में 60, तो एक 6 के स्क्वायर करने पे आ सकता है या तो 4 के स्क्वायर पे करने पे आएगा बस। अब ये तो हमें लास्ट डिजिट पता चल गया, या तो 6 होगा या तो क्या होगा 4 होगा, लेकिन स्टार्टिंग में क्या आएगा ये समझ में आ गई, तो स्टार्टिंग में फिर वही देखना है हमें कि 21 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 21 किसके किसके बीच में आएगा, मान लेते हैं एक 4 के स्क्वायर के बीच में आएगा और 5 के स्क्वायर के बीच में आएगा, तो 4 का स्क्वायर और किसके बीच में आएगा 5, देखो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 16 और 25 के बीच में है कि नहीं है, तो अब छोटा वाला नंबर लिखते हैं, तो 4 यहाँ भी लिख देंगे और 4 यहाँ, लेकिन अब इसका आंसर या तो 46 होगा या तो 44 होगा। अब ये कैसे पता करेंगे कि 46 या 44 में कौन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो 4 है ना, 4 दिख रहा है, इस 4 में हम लोग नेक्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 20। अब ये 20 को चेक कर लेना है ये 21 से ज़्यादा है कम, तो देखो 20 है 21 से कम है,
जब 21 से कम होगा तो कम वाला आंसर हो जाएगा। कम वाला आंसर कौन है? 44 है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? 44 क्या हो जाएगा आंसर? 44। देखो 21, देखो यहाँ पे ये नहीं देखना हमें, ये थोड़ा यहाँ पे देखो बेटा, 21 जो है 20 से ज़्यादा है, ये देख लेना है बेटा। जब इसके नेक्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आया? 20 आया। तो जो 20 है 20 से बड़ा कौन है? 21 है। तो जब ये इससे बड़ा होगा तो कौन सा नंबर लेंगे? बड़ा वाला। और जब ये इससे छोटा हो जाएगा तो कौन सा लेंगे? छोटा वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा? 46। ये नहीं होगा, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 46। नेक्स्ट वाले में समझ लो देखो कैसे, लास्ट में क्या है? 21 है। अच्छा बताओ यहाँ पे किसका स्क्वायर करेंगे कि लास्ट में 1 आएगा? एक हो सकता है 1 और दूसरा हो सकता है 9। 1 का स्क्वायर कर दो तब भी लास्ट में 1 आएगा, 9 का स्क्वायर कर दो तब भी लास्ट में आएगा। अब देखना है बेटा 15 किसके किसके बीच में आएगा, तो 15 आता है 3 और 4 के, 3 स्क्वायर और 4 के, अब पता है 3 लिखेंगे तो 3 आएगा, 31 होगा या 39 होगा। अब पता है 3 आया तो 3 वाले को अगले नंबर से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। 3 4 जा कितना हो जाएगा? 12। अच्छा बताओ ये जो 15 है 12 से ज़्यादा है? Yes, जब ज़्यादा होता है ये, जब ज़्यादा होगा तो क्या लेंगे? ज़्यादा हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर 39 क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 39 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 39। सेम ऐसे इसमें भी देखो, इसमें लास्ट में क्या है? 81। मतलब हमें यही देखना होता है हमें, लेकिन दो डिजिट लेना पड़ता है क्योंकि स्टार्टिंग के दो डिजिट हमें हटा देना होता है। अब यहाँ पर जैसे 81 है तो 81 या तो 9 होगा या तो क्या होगा? 1। अब देखना 34 किसके किसके बीच में आएगा, तो ये तो 5 स्क्वायर के बीच में आता है और 6 स्क्वायर के बीच में आएगा। तो यहाँ पे कम वाला ही लेंगे तो 59 होगा या तो 51 होगा। अब पता है कि जो 5 आया है जिसको नेक्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। अब जब इसको नेक्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई की 30, अब देखो 34 30 से बड़ा है, तो जब बड़ा होगा तो कौन सा लेंगे? बड़ा वाला लेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 59 हो जाएगा। समझ में आ गया? ये हो गया स्क्वायर। अब हमें बेटा यहाँ पे जैसे फर्स्ट वाला तुमने क्या देखा था? 2 डिजिट का आप लोगों ने समझ लिया था, है ना। लेकिन अब इसके बाद क्या करना है हमें? 3 डिजिट वाला स्क्वायर कैसे करेंगे? इसमें 3 डिजिट का भी हो जाएगा, ये इसमें सारे स्क्वायर रूट इसी से हो जाएंगे। लास्ट के 2 डिजिट देखनी है और इस आगे देख लेना किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक है। और बाकी जो 3 नंबर का स्क्वायर कैसे करें, 4 नंबर का स्क्वायर कैसे करें, उसके बाद में देख लेंगे, ठीक है।